स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे करते हैं। अगला टॉपिक है कन्फर्मल मैपिंग। तो देखिए, कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है। मैपिंग तो आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे कि मैपिंग क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन के एलिमेंट्स को अनदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के एलिमेंट्स में मैप कर देगी। जैसे कि एक्स वाई प्लेन है ये, और ये मैंने मान लिया यूवी प्लेन है, ठीक है, ये यूवी प्लेन है। तो देखिए, कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। मान लिया कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी एक कर्व थी, ये जैसे कि मान लिया ये सी वन कर्व थी, ठीक है। ऐसे ही कोई और कर्व थी, ये कर्व मान लिया मैंने सी टू कर्व थी, ठीक है। अब दोनों कर्व्स के बीच, भाई दोनों कर्व्स के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल ही होगा ना। वो एंगल आपको पता है कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता लगाएंगे एंगल, ये वेक्टर कैलकुलस में पढ़ चुके आप। जैसे कि ये इस पॉइंट पे कट कर गई, तो इस पॉइंट पे ये एंगल फाइंड करना चाहता हूं ना मैं, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर सी वन कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सी टू कर्व के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही एंगल दोनों कर्व्स के बीच में होगा, यानी कि ये वाला एंगल। चलो मान लिया कि ये एंगल अल्फा वन है, ठीक है, जेड प्लेन के अंदर। भाई क्या लिया मैंने, जेड प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन में दो कर्व ली, सी वन और सी टू, दोनों कर्व्स के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल ही होना था। भाई दोनों कर्व जहां पे कट करेंगे वहां उन दोनों के बीच में जो भी एंगल था उसको मैंने अल्फा वन नाम दे दिया, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को मैंने मान लिया पी ऑफ जेड नॉट। भाई अब क्या होगा, जो मैपिंग होती है, हाँ, तो जो मैपिंग होगी, मैपिंग क्या करेगी, इस प्लेन के पॉइंट्स को अनदर प्लेन के पॉइंट्स में मैप करेगी। तो मैंने मान लिया कि सी वन जो कर्व थी ना, वो सी वन डैश कर्व में मैप होगी। भाई ये वाले जो सारे पॉइंट्स थे ना, ये इन पॉइंटों में मैप हो गए, ठीक है। ऐसे ही सी टू जो कर्व थी वो इस तरह से मैप होगी, सी टू डैश में मैप होगी। ये कहीं ना कहीं पे कट करेंगे, और जहां पे कट करेंगे वो मैंने मान लिया पी डैश ऑफ डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब ये मैपिंग कन्फर्मल मैपिंग तभी होगी जब ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। भाई इन दोनों कर्व्स के बीच में अल्फा एंगल था ना, तो अब इन दोनों कर्व्स के बीच में, यानी कि इन दोनों कर्व्स की जो इमेज आई है ना, उन दोनों के बीच में भी अल्फा ही एंगल हो, ठीक है। एंगल का अल्फा वन एंगल माना था, तो ये अल्फा वन हो जाएगा, अल्फा मान लो चाहे, अल्फा मान लिया जैसे मैंने, तो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं, मान लिया ये अल्फा वन एंगल था, ये अल्फा, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा टू था, तो अल्फा वन और अल्फा टू सेम रहे। अब देखो, अल्फा वन और अल्फा टू सेम होने का मीनिंग क्या हो गया, कि दोनों का मॉडुलस सेम हो। भाई मैं कह रहा हूं मॉडुलस भी सेम होना चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये इस तरह से मैप हो जाएगा, ये यू था और ये वी था, भाई ये तो सी वन डैश आ गई और ये सी टू डैश आ गई, इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी अल्फा वन ही है। लेकिन अब देखो, सी वन से सी टू की तरफ जा रहे हैं तब अल्फा वन एंगल है, और यहां पे सी टू से सी वन की तरफ, सॉरी सी टू डैश से सी वन डैश की तरफ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोटेशन जो चल रही थी ना सी वन से सी टू की तरफ चल रही थी, तो अब भी रोटेशन सी वन डैश से सी टू डैश की तरफ ही चलेगी। यानी इसकी जो इमेज आई थी ना सी वन डैश, और इसकी जो इमेज आई थी सी टू डैश, तो उसी डायरेक्शन में चलेगी रोटेशन, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहे और एंगल की मैग्नीट्यूड भी सेम रहे। उस केस में ये जो मैपिंग होती है, इस मैपिंग को हम कहते हैं कन्फर्मल मैपिंग, ठीक है। अब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में हम कैसे चेक करेंगे कन्फर्मल मैपिंग है कि नहीं, तो इसके लिए हम एक थ्योरम करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। भाई जो भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम्स होती हैं, वे एक नई डेफिनेशन का काम करती हैं, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कन्फर्मल मैपिंग है, और कन्फर्मल मैपिंग है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए वो थ्योरम करते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ये थ्योरम कहती है मैपिंग एफ ऑफ जेड फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन इज कन्फर्मल
if and only if f of z f of z is analytic and f dash of z is not equal to 0. ठीक है, ये एनालिटिक की बात कर रहा हूं, तो ये एनालिटिक इन z प्लेन ही होगा, इन z प्लेन. चलो, अगर ये z प्लेन की बजाय किसी डोमेन d में होता ना z प्लेन के, तो उस डोमेन d में कन्फर्मल कहते हैं हम. ठीक है, मतलब जहां पे भी एनालिटिक होगा फंक्शन, जिस भी रीजन के अंदर एनालिटिक होगा उसी रीजन के अंदर मैपिंग कन्फर्मल होगी. ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं सफिशियंट पार्ट. तो भाई सफिशियंट पार्ट में हम क्या करेंगे, सफिशियंट पार्ट में मैं मान के चल पड़ता हूं कि फंक्शन जो है एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है. ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है और डेरिवेटिव नॉन जीरो है, और मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैपिंग कन्फर्मल है. तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया ये एक्स वाई प्लेन है. एक्स वाई प्लेन में सबसे पहले मैंने लिया ये कोई भी कर्व ले ली, चलो इसको सीवर नाम दे देता हूं, अनदर कर्व ले लेता हूं सी टू नाम दे दिया इसको. ठीक है, ये जहां पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को मैंने जेड नोट नाम दिया. अब देखो, अब मैंने क्या किया, सी वन कर्व पे और सी टू कर्व पे दो ऐसे पॉइंट चूज करता हूं जिन पॉइंटों की जेड नोट पॉइंट से, जहां जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था उस पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहे. जैसे कि जेड वन पॉइंट ले लिया मैंने सी वन कर्व पे, और ये जेड टू पॉइंट ले लिया सी टू कर्व पे, और ये जेड वन एंड जेड टू, जेड वन जेड टू आर ऑन सी वन एंड सी टू. थोड़ी सी लेंथी होने वाली थ्योरम, बट अच्छे से करेंगे इसको. तो जेड वन और जेड टू दो पॉइंट है सी वन और सी टू पे, सच दैट जेड वन माइनस जेड नोट का मोड, यानी कि जेड वन की जेड नोट से डिस्टेंस इक्वल होगी जेड टू माइनस जेड नोट का मोड, यानी कि जेड टू की जेड नोट से डिस्टेंस, और वो मैं आर मान के चल पड़ा. ठीक है, इन दोनों की जेड नोट से डिस्टेंस आर मान लिया हमने. अब रही एंगल की बात, तो मान लिया जेड वन माइनस जेड नोट जो डिस्टेंस थी, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी, ये वाली, इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बना रखा है. भाई एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन लेता हूं मैं ये, इसके साथ इस डिस्टेंस ने थीटा वन एंगल बना रखा है और इस डिस्टेंस ने थीटा टू बना रखा है. तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट का हमें आर्ग्यूमेंट पता चल जाता है, यानी कि उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है वो पता चल जाए और उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाए, उसके मॉडुलस पता चल जाए, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. भाई जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन था, ये मैं पहले ही बता चुका, वैसे ये पॉइंट जेड है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता जो चल जाए वो, उसको तो हम आर कहते हैं, और ये जो एंगल होता है इसको थीटा कहते हैं. तो इस केस में जेड हो जाता है आर ई पावर आईटा थीटा. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ओरिजिन का, ओरिजिन की जगह पे जेड नोट ले रहा हूं मैं, तो ये डिस्टेंस हमें पता चलेगी आर मान के चला हूं मैं, और इसने एक्स एक्सिस का एंगल बना रखा है थीटा वन. तो यहां पे द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन माइनस जेड नोट, जेड वन माइनस जेड नोट इज इक्वल टू मॉडुलस यानी आर ई की पावर आईटा आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का एंगल बना रखा है थीटा वन. ठीक है, ऐसे ही जेड टू माइनस जेड नोट की वैल्यू हो जाएगी आर ई की पावर आईटा थीटा टू, मॉडुलस तो वही है आर. तो हमने मान लिया कि अल्फा वन वो एंगल है जो जेड नोट पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो अल्फा वन मान लिया मैंने. तो जेड नोट पॉइंट के ऊपर जो भी टेंजेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर, जैसे कर्व के ऊपर ये टेंजेंट आया, ठीक है, ये ऐसे टेंजेंट जो आएगा वो एक्स के साथ अल्फा वन एंगल बनाएगा,
ठीक है। ऐसे ही जेड नोट पॉइंट पे जो सी टू कर्व पे जो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा, जैसे कि सी टू कर्व पे ये टेंजेंट हो गया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल, ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा टू, ठीक है। अल्फा पे अल्फा टू बी द एंगल विच टेंजेंट ऑफ कर्व सी टू मेक्स आएगा, यहां पे मेक्स विद एक्स एक्सिस एट जेड नॉट, ठीक है। इसको भी करेक्ट कर लेना आप। तो अल्फा वन और अल्फा टू ये एंगल्स मान लिए। तो अब सबसे बड़ी बात है इस डायग्राम को समझना, अगर ये डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो थोड़ा हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, C1 कर्व थी, C2 कर्व थी, C1 और C2 दोनों कर्व के बीच में एंगल, सॉरी C1 और C2 दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट मान लिया Z0, ठीक है। अब मैंने C1 और C2 दोनों पे ऐसे पॉइंट लिए दो, Z1 और Z2, इस तरह से लिए कि Z0 से इनकी डिस्टेंस सेम रहे, Z1 की Z0 से डिस्टेंस आएगी वो, और Z2 की Z0 से डिस्टेंस आएगी वो, दोनों सेम है, इक्वल टू R है। और इन दोनों लाइनों ने, लाइन सेगमेंट्स ने, जेड नोट जेड वन की जो डिस्टेंस थी वो और जेड नोट जेड टू की जो डिस्टेंस थी वो, दोनों डिस्टेंसेज ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रखा था। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइंड होता है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय ई पावर आई टाइम टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट वो होता है जो वो कॉम्प्लेक्स, वो उसका पोजिशन वैक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है। तो जेड वन माइनस जेड नोट क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस z0 से डिस्टेंस r लेके चलाऊं, मैं मान के चलाऊं r, e पावर आयटा थीटा वन, थीटा वन वो एंगल जो इसने x एक्सिस के साथ बनाया। सिमिलरली z2 माइनस z0 भी हो जाएगा। अब अल्फा वन और अल्फा टू वो एंगल लिए हैं जो z0 पॉइंट के ऊपर c1 कर्व पे जो टेंजेंट होता है वो बनाता है x एक्सिस के साथ, और z2 कर्व पे जो टेंजेंट होता है z0 पॉइंट पे वो बनाता है x एक्सिस के साथ। ये अल्फा वन और अल्फा टू एंगल बिल्कुल इसके क्रॉसपोंडिंग यूवी प्लेन में काम चलेगा सारा का सारा। यूवी प्लेन में ये मैं डायग्राम अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम एज इट इज यू का यू बनेगा सारा का सारा। बस ये थीटा वन और थीटा टू की जगह पे तो क्या आ जाएगा, फाई वन, भाई ऐसे का जो कर्व्स होंगी, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे, ये मान लिया डब्ल्यू नोट हो जाएगा जेड नोट के क्रॉसपोंडिंग, जेड वन के क्रॉसपोंडिंग डब्ल्यू वन, जेड टू के क्रॉसपोंडिंग डब्ल्यू टू, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली। इसने x के साथ जो एंगल बना रखा होगा वो होगा phi1, इसने x के साथ जो एंगल बना रखा होगा वो होगा phi2, सॉरी x z1 वाला यानी कि w1 वाला phi1 और ये phi2, ठीक है, phi1 और phi2 हो जाएगा वो। अब देखिए जैसे यहां पे अल्फा1 और अल्फा2 लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जो पहली वाली कर्व है उस पे जो टेंजेंट आएगा वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को तो मैंने बीटा वन मान लिया, और दूसरी वाली कर्व पे जो एंगल बनेगा ये जो कर्व ऐसे जाएगी इस पे जो बनेगा उसको बीटा टू मान लेते हैं। ये डायग्राम वैसे ही रफली बनाया है, ये बुक में देख लीजिएगा, तो बिल्कुल इसके तरह से डायग्राम बन जाएगा। ये जेड प्लेन है और ये डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है। ये तो सारी कंस्ट्रक्शन थी। अब आगे देखिए, अगर मैं आर को जीरो को टेंड कराऊं, अगर ये जो डिस्टेंस थी ये जीरो को टेंड करे, तो ये जो डिस्टेंस है ना जेड वन और जेड नोट के बीच की, अगर ये जीरो को टेंड करेगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये डिस्टेंस अगर जीरो होगी तो जेड वन पॉइंट जेड नोट पॉइंट के ऊपर ही आ जाएगा, और जैसे ही जेड वन जेड नोट के ऊपर आएगा तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस टेंजेंट के ऊपर आ जाएगा, इस कर्व पे जो ये वाला टेंजेंट था, और टेंजेंट ने एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बना रखा है थीटा वन, बट ये पहले तो थीटा सॉरी अल्फा वन, बट ये पहले तो थीटा वन था, ठीक है। तो इस केस में थीटा वन जो एंगल है वो अल्फा वन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज थीटा वन वो एंगल है जो इस डिस्टेंस ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया, और अल्फा वन वो एंगल है जो इस पॉइंट पे टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया। लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पे ही आ गया तो ये डिस्टेंस जो है जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर होगा वो एज ए टेंजेंट एक्ट करेगा, तो उस टेंजेंट ने अल्फा वन एंगल बना रखा होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पे
आर अगर जीरो को टेंड करेगा देन वी हैव थीटा वन अप्रोचेज टू एल्फा वन, बिल्कुल सिमिलरली थीटा टू अप्रोचेज टू एल्फा टू, ठीक है। सिमिलरली इस प्लेन के अंदर, जैसे इस प्लेन में लिया हमने, इसमें मैं मान के चल पड़ा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एल वन ई की पावर आईटा फाइव वन एंड डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एल टू ए पावर आईटा फाइव टू, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसको तो एल वन ले लिया, इसको एल टू लिया, दोनों को सेम ले लेते, जैसे कि यहां पे लिया था, दोनों को आर लेके चला था मैं, वहां पे तो मैंने अपनी मर्जी से दोनों को आर ले लिया, लेकिन इनकी जो इमेज आएगी उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जो इमेज आएगी वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की भी हो सकती है। जरूरी तो ना कि इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल थी तो इसके कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट्स होंगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो इसलिए एल वन और एल टू अलग अलग मॉडुलस लेकर चल पड़ा हूं मैं, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे यहां पे जो लगाई मैंने, सिमिलरली अगर एल वन जीरो को अप्रोच करेगा तो देखना क्या होगा, एल वन के बीच की डिस्टेंस है, अगर एल वन जीरो को अप्रोच करेगा तो ये थीटा वन एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा वन में, जैसे ये थीटा वन अल्फा वन में कन्वर्ट हुआ था वैसे ही फाइव वन एंगल कन्वर्ट हो जाएगा फाइव वन बिट्टा वन में, तो फाइव वन टेंडिंग टू बिट्टा वन, एंड अगर एल टू जीरो को अप्रोच करेगा तो फाइव टू टेंडिंग टू बिट्टा टू, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी नोट करने की। अब देखिए गिवन था कि फंक्शन जो है एनालिटिक है, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक गिवन था और उसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो गिवन था। हमें प्रूव करना था कि मैपिंग जो है वो कन्फर्मल मैपिंग होगी, तो मैपिंग को कन्फर्मल दिखाने के लिए क्या करता हूँ, चलिए देखिए, फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो भी है, तो जरा डेरिवेटिव निकालता हूं मैं, बताइए डेरिवेटिव क्या होगा। जेड नोट पॉइंट पे निकालते हैं, लिमिट डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा रहा हूं, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ ओ जेड माइनस एफ ओ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। अगर मैं जेड को पर, ये जेड कोई भी होता है जेड नोट के नेबरहुड में, तो जेड नोट के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट अगर मैं जेड वन लेके चलूं, जेड वन ऑब्वियसली उसके नेबरहुड में था, तो पुट जेड इज इक्वल टू जेड वन, तो एफ डैश ऑफ जेड नोट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट जेड वन टेंडिंग टू जेड नोट एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड की जगह पे बस जेड नोट आ जाएगा जेड वन माइनस जेड वन, दैट इज इक्वल टू लिमिट जेड वन टेंडिंग टू जेड नोट एफ ऑफ जेड वन इज डब्ल्यू वन माइनस एफ ऑफ जेड नोट इज डब्ल्यू नोट अपॉन जेड वन माइनस जेड नोट, दैट इज अगेन इक्वल टू लिमिट। अब देखिए जेड वन अगर जेड नोट को अप्रोच करेगा तो ये तो हमने अभी अभी देखा ही था, अगर जेड वन जेड नोट को अप्रोच करता है ये पॉइंट अगर यहां पे आ जाता है तो थीटा वन एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता था अल्फा वन में, क्योंकि जेड वन जेड नोट को अप्रोच करेगा तो आर जीरो हो जाएगा, आर जीरो होगा तो थीटा वन अल्फा वन को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां से थीटा वन अप्रोचेज टू अल्फा वन, ये लिख सकता हूं मैं। अब देखिए डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू नोट को हम क्या लेके चले थे, एल वन ई पावर आईटा फाइव वन, और जेड वन माइनस जेड नोट को लेके चला था मैं आर ई पावर आईटा थीटा वन, विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा वन टेंडिंग टू अल्फा वन एल वन बाय आर e पावर आईटा, ये ऊपर आगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव वन माइनस थीटा वन, ठीक है, फाइव वन माइनस थीटा वन आ गया भैया। तो क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो नॉन जीरो है, ठीक है, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो, तो जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू मान लेता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से लिखा जाता है, उसका मॉड्यूलस इंटू ई पावर आईटा उसका आर्ग्यूमेंट, यानी कि लैम्डा मान लिया, कुछ भी नाम ले सकते हैं इसको, मॉड्यूलस तो कैपिटल आर मान लिया और आर्ग्यूमेंट उसका लैम्डा मान लिया। तो इस केस में एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं मैं, तो एफ ऑफ जेड नोट दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद आएगा आर ई पावर आईटा लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट
थीटा वन टेंडिंग टू अल्फा वन, एल वन बाय आर ई पावर आईटा फाइ वन माइनस थीटा वन, दैट इज इक्वल टू। अब देखो थीटा वन अल्फा वन को कब अप्रोच कर रहा था, जब आर जीरो को टेंड कर रहा था, जैसे यहां से ही देख लो जेड वन टेंडिंग टू जेड नोट लिमिट थी अपनी, तो जेड वन जेड नोट को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जेड वन माइनस जेड नोट जीरो को अप्रोच करेगा, और जेड वन माइनस जेड नोट आर था, यानी कि आर जीरो को अप्रोच करेगा। इसको अगेन मैं लिख सकता हूं आर टेंडिंग टू जीरो एल वन बाय आर, ठीक है। और यहां से जरा देखिए लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट थीटा वन टेंडिंग टू अल्फा वन फाइ वन माइनस थीटा वन, दोनों को कंपेयर कर लिया तो मॉडुलस यहां पे आर था, यहां पे मॉडुलस ये था, लिमिट आर के क्रॉसपोंडिंग वाली पुट कर दी मैंने, ए की पावर आयटा, आर्ग्यूमेंट यहां पे क्या है लैम्डा, और यहां पे आर्ग्यूमेंट ये है लेकिन लिमिट के साथ, तो इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर लिमिट भी लगा दी मैंने, ठीक है, ये लैम्डा है। तो अब देखिए यहां से ये जो है ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही हम निकालना चाहते थे, यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू। अब बताइए जब थीटा वन अल्फा वन को अप्रोच करेगा तो फाई वन किसको अप्रोच करेगा, फाई वन पीछे, ये पीछे कर चुके बीटा वन को अप्रोच करेगा माइनस, और थीटा वन किसको अप्रोच कर रहा है अल्फा वन को, तो अल्फा वन को, तो यहां से क्या आ जाएगा बीटा वन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस अल्फा वन। सिमिलरली मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि बीटा टू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस अल्फा टू, तो यहां से एक काम करो इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना, ये आएगा बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा कैंसिल अल्फा टू माइनस अल्फा वन, ये आ जाएगा। अब देखो बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन का मीनिंग क्या है भाई, एक्स वाई प्लेन में जो कर्व्स ऐसे थी, ठीक है, इसके ऊपर जो टेंजेंट ये था, इसके ऊपर जो टेंजेंट ये था, इस टेंजेंट ने तो एक्स एक्सिस एंगल बना रखा था अल्फा वन, इसने बना रखा था अल्फा टू, तो अल्फा टू माइनस अल्फा वन जो है वो इस इनके बीच का एंगल है, और अल्फा टू माइनस अल्फा वन में कर रहा हूं इसलिए ये वाली रोटेशन हो जाएगी, वो भाई अल्फा टू जो पॉइंट है वो सी टू कर्व, ये सी टू कर्व है, ये सी वन कर्व है, ठीक है। अल्फा टू माइनस अल्फा वन जो है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये रोटेशन है और ये इतना एंगल है, और सेम काम हम यहां पे कर रहे हैं, ये सी टू डैश है अगले वाले प्लेन में, ये सी वन डैश है, यहां पे क्या था एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल बना रखा था बिट्टा टू, और इसने बना रखा था बिट्टा वन, यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल भी बिल्कुल वैसे ही डिसाइड किया गया है बिट्टा टू माइनस बिट्टा वन, ठीक है, ये बिट्टा टू माइनस बिट्टा वन है। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो इक्वल है ना, इसमें भी सेकंड माइनस फर्स्ट किया गया है, इसमें भी सेकंड माइनस फर्स्ट किया गया है, अगर यहां पे अल्फा वन माइनस अल्फा टू होता तो मैं कह देता इसको तो एंटी क्लॉकवाइज देखा गया, इसको क्लॉकवाइज देखा गया, ठीक है। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि या तो दोनों ही क्लॉकवाइज है या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों में से अल्फा टू बिटा टू माइनस बिटा वन लिया गया, अल्फा टू माइनस अल्फा वन लिया गया, टू वाले यहां पे थे दोनों में और वन वाले यहां पे थे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम रही है और एंगल भी सेम है, तो एंगल जो है वो प्रिजर्व किया गया है यहां पे, जो एंगल पहले था वही एंगल अब की बार रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए जो मैपिंग है वो कन्फर्मल मैपिंग है और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेसेसरी पार्ट, तो नेसेसरी पार्ट देखते हैं, चलिए अब करते हैं इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में हम क्या करेंगे, नेसेसरी पार्ट में मैं इसको कन्फर्मल मैपिंग मान के चल पड़ूंगा, लेट एफ ऑफ जेड इज कन्फर्मल मैपिंग, ठीक है, और मैं प्रूव करना चाहता हूं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा हर जगह पे, क्योंकि एनालिटिक दिखाना है ना, हर जगह पे हर कौन सी जगह है, वो वाली जगह है जहां पे मैपिंग कन्फर्मल है, तो जहां जहां पे मैपिंग कन्फर्मल होगी वहां वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, ये मैं प्रूव करना चाहता हूं। तो
तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करके क्या मान के चल पड़े, मान लिया W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी है, ठीक है, जहां पे यू और वी रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। तो अब ये वेक्टर कैलकुलस से उठाया गया है, डी अल्फा और डी बीटा अगर मैं ये दोनों की दोनों लाइन एलिमेंट मान के चल पड़ा, लाइन एलिमेंट मीन्स किसी भी कर्व की लेंथ मान के चल पड़ा एक तरह से, इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली डब्ल्यू प्लेन में जो लेंथ डी बिट्टा लेके चला हूं उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डी बिट्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, देखना डी यू इज इक्वल टू यू का कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहा हूं, लेकिन यू फंक्शन होगा एक्स और वाई का, यू और वी दोनों एक्स और वाई का फंक्शन होते हैं, तो यहां पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको एक्स और वाई दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो यू का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई डी वाई, ठीक है, एंड डी वी इज इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई डी वाई, ये हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज डी बिट्टा स्केयर इज इक्वल टू डी यू का स्केयर यानी इसका स्केयर, तो इसका स्केयर क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, दैट इज कर्ल यू बाई कर्ल एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई स्केयर डी वाई स्केयर प्लस टू टाइम्स कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई प्लस डी वी का स्केयर, डी वी का स्केयर सिमिलरली हो जाएगा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स स्केयर डी एक्स स्केयर कर्ल वी बाई कर्ल वाई स्केयर डी वाई स्केयर प्लस टू ए बी यानी कि टू कर्ल वी बाई कर्ल एक्स कर्ल वी बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई, दैट इज इक्वल टू डी एक्स का क्वेश्चन देखना क्या है, डी एक्स स्केयर का वो बनेगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स का स्केयर प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई का स्केयर, दिस इन टू डी एक्स स्केयर प्लस ऐसे ही डी वाई स्केयर का क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कर्ल यू बाई कर्ल सॉरी कर्ल वी बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई स्केयर, दिस इंटू डी वाई स्केयर प्लस टू इंटू टू कॉमन ले लिया मैंने, डी एक्स और डी वाई भी कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा बच जाएगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स कर्ल वी बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई। अब देखें कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन का यूज करता हूं, तो कन्फर्मल मैपिंग में क्या होता था, एंगल सेम रहता था दोनों का उसके बीच का, अगर एंगल सेम रहता था वो इन द सेंस कहना चाहता था कि डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है तो ये जो रेशियो होगा डी बिट्टा स्केयर अपॉन डी एल्फा स्केयर, ये जो रेशियो है वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है तो डी बिट्टा स्केयर और डी एल्फा स्केयर में फोन स्टोरेज फुल हो गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आगे देखिए तो मैं बता रहा था कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन लगाई हमने, डेफिनेशन कहती है कि डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती इस मैपिंग में, तो जब मैपिंग से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये जो रेशियो होगा ना वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे जो डी एक्स स्केयर और डी वाई स्केयर के जो कोफिशियंट्स हैं दोनों में उनका रेशियो सेम मिलेगा। देखिए यहां पे क्या है, डी बिट्टा स्केयर की जो वैल्यू थी ये थी, डी एल्फा स्केयर की वैल्यू ये थी, डी बिट्टा स्केयर की वैल्यू में डी एक्स स्केयर का जो कोफिशियंट है ये वाला है और यहां पे एक्स स्केयर कोफिशियंट क्या है डी एल्फा स्केयर की वैल्यू में वन है, तो इसके अपॉन में वन
इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइस केयर कोफिशिएंट जो है वो अपोन में यहाँ पे जो डिवाइस केयर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो डिवाइस केयर कोफिशिएंट है वो उनका रेशियो सेम होगा। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट क्या है ये पूरा, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो दिस अपॉन जीरो, दिस अपॉन जीरो। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ये आ गया, ये टू था टू, यहाँ पे मैं वन अपॉन टू, वन अपॉन टू बना दिया इसको मैंने, वन अपॉन टू इंटू जीरो इज अगेन जीरो, ठीक है। तो इसको किसी का इक्वेट कर दो, इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, ये साइड आ गया माइनस का हो गया। तो ये कंडीशन आ गया हमारे पास। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल वी बाय कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू बाय कर्ल वाई और उसका नेगेटिव। और क्योंकि ये रेशियो इक्वल है, किसी ना किसी वैल्यू के तो बराबर आना ही था, तो वो जिस भी वैल्यू के बराबर आता वो वैल्यू मैंने मान ली लैम्डा। तो यहां से आ गया कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कर्ल वी बाय कर्ल वाई एंड कर्ल वी बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर वन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। इक्वेशन नंबर वन क्या थी, ये वाली इक्वेशन नंबर, ठीक है। इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा लैम्डा स्केयर कर्ल वी बाय कर्ल वाई स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर कर्ल यू बाय कर्ल वाई स्केयर इज इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल वाई स्केयर प्लस कर्ल वी बाय कर्ल वाई स्केयर, मतलब सारे वाई में ले आया मैं। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको आगे सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद यहां पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन दोबारा से इन दोनों के अंदर पुट करूंगा तो बन जाएंगे सीआर इक्वेशंस, सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई आ जाएगा और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स आ जाएगा जब लैम्डा इज इक्वल टू वन है तब, और जब लैम्डा माइनस वन है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तब हो रही है जब वी की जगह पे माइनस वी लेके चले हो, ठीक है, वी की जगह पे जब माइनस वी लेके चले हो। बहुत ही सिंपल है, बुक में पढ़ लेना आप। तो सीआर इक्वेशन जैसे ही सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया, एनालिटिक आ गया, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन आपको हर हाल में याद रखनी है। पहली डेफिनेशन तो है कोफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कोफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कोफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ऑफ जेड दिया होगा आपको और जेड की एक वैल्यू दी होगी अल्फा प्लस आइटा बिट्टा। आप क्या करो, फंक्शन में जेड की जगह पे अल्फा प्लस आइटा बिट्टा पुट कर दो, सॉरी फंक्शन में उसके डेरिवेटिव में, पहले तो उसका डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव में जेड की जगह पे पुट कर दो ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस आइटा बिट्टा की, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो वही होता है कोफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन। ऐसे ही एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस आइटा बिट्टा का आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, इसको जब मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा ना आर ई पावर आइटा थीटा की फॉर्म में तो जो थीटा होता है उसी को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और अगर ये कुछ इस टाइप का है कि भाई ये आ गया थ्री प्लस में फोर आइटा आ गया ये जो वैल्यू आई, तो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स से। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता भी रखा है आर्ग्यूमेंट चारों क्वाड्रेंट्स में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, तो आप फर्स्ट एग्जांपल आराम से कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ट्राई करना, उसमें आपको यही निकालने हैं, यही दोनों निकालने हैं, कोफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। चलो आज इतना ही कर लेते हैं, आज की जो थ्योरम थी थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ी टिपिकल भी थी, तो इसको बुक में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगी, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।